नवनीत महान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा के बारे में। ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा में कौन कौन से इंसेक्ट्स आते हैं, उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा को और कितने कौन कौन से फैमिलीज में डिवाइड किया गया है। गाइस, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा जो है इसके अंतर्गत बीज, वेस्प और एंट्स आते हैं। ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा के जो मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम मेंबर्स हैं, वो बेनिफिशियल होते हैं। कुछ गिने चुने ही इंसेक्ट्स हैं जो कि हार्मफुल होते हैं या फाइटोफैगस होते हैं। ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, स्पेसिफिक फीचर्स, उसके बारे में डिस्कस कर लें तो इनका जो विंग होता है वो मेम्ब्रेनस होता है। हाइंड विंग्स विंग्स स्मॉलर देन द फोर विंग्स विच इंटरलॉक बाय मीन्स ऑफ हैमलाई वेनेशन रिड्यूस्ड। इनका जो विंग वेनेशन होता है वो इनमें वेनेशन बहुत ही कम होते हैं और इनमें जो विंग कपलिंग एपरेटस है वो हैमलाई टाइप का होता है। इनका जो माउथ पार्ट्स होता है प्राइमरली मैंडिबुलेट होता है, दैट मीन्स बाइटिंग एंड चीविंग टाइप। और कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि हनी भी, उनमें चीविंग एंड लैपिंग टाइप होता है। एब्डोमेन यूजुअली बेसली कॉन्स्ट्रिक्टेड एंड इट्स फर्स्ट सेगमेंट फ्यूज्ड विद मेटाथोरिक्स फॉर्मिंग प्रोपोडियम। जो इनका जो एब्डोमेन होता है वो मेटाथोरिक्स से फ्यूज होके प्रोपोडियम बनाता है। और हाइमेनोप्टेरा के मैक्सिमम जो मेंबर्स होते हैं उनमें ओविपोजिटर पूरी तरह से डेवलप्ड होता है। ओविपोजिटर ही इन हायर फैमिलीज मॉडिफाइड इनटू अ स्ट्रिंग। इनके जो मैक्सिमम फैमिलीज के जो मेंबर होते हैं उनके ओविपोजिटर डंक के रूप में, स्ट्रिंग के रूप में मॉडिफाइड होते हैं। लार्वी जनरली एपोडस, रेयरली इरिजिफॉर्म। इनके जो लार्वी होते हैं वो जनरली ग्रब होते हैं। कुछ ही फैमिली हैं जिनमें इनका जो लार्वी है वो कैटरपुलर के रूप में होता है। इनका जो प्यूपा होता है वो एक्सेरेट टाइप का होता है जो कोकून से कवर होता है। इनका इनमें एंटीनी जेनिकुलेट टाइप, दैट मीन्स कोहनीकार इनमें एंटीनी पाई जाती है। टार्साई 5 सेगमेंटेड और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाए जाते हैं। ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा में जो सबसे पहला फैमिली है वो है टेंथ्रेडिनिडी, जिसके अंतर्गत सॉफ्टफ्लाइज आते हैं। गाइस, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा में टेंथ्रेडिनिडी फैमिली है जिसके मेंबर्स जो हैं वो फाइटोफैगस होते हैं, प्लांट्स को डैमेज करते हैं। सॉफ्टफ्लाई आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम मोस्ट अदर हाइमेनोप्टेरस बाय द ब्रॉड कनेक्शन बिटवीन द एब्डोमेन एंड द थोरिक्स। ये अदर हाइमेनोप्टेरन इंसेक्ट से अलग इनको पहचाना जा सकता है इनके एब्डोमेन और थोरिक्स का एक साथ जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर देख के। आप लोगों को डायग्राम में दिखाते हैं, देख सकते हैं कि इन ये जो इंसेक्ट है इसका एब्डोमेन और थोरिक्स आपस में जुड़े हुए हैं। द कॉमन नेम कम्स फ्रॉम द सो लाइक अपेरेंस ऑफ द ओविपोजिटर। इस जो सॉफ्टफ्लाई हैं उनके ओविपोजिटर आरे के समान, सौ के समान होते हैं, सौ के समान आरे के समान दिखाई देते हैं, जिससे जिसकी मदद से प्लांट में कट करके वो अपने अंडे वहाँ छोड़ते हैं। सॉफ्टफ्लाई डैमेज इज कॉज्ड बाय द लार्वी। प्लांट्स में सॉफ्टफ्लाई के लार्वी ही प्लांट्स को डैमेज करते हैं, प्लांट्स में फीड करते हैं, क्योंकि जो एडल्ट होते हैं प्लांट में अपने आरे के समान ओविपोजिटर से चीरा लगा के वहाँ अंडे छोड़ते हैं और लार्वी एक से हैच होने के बाद न्यूली हैच जो लार्वी होते हैं प्लांट पे फीड करना स्टार्ट करते हैं। सम लीव होल्स और नोचेस इन लीव्स
वाइल अदर इज कैरेक्टराइज द लिप बाई कम्प्लीटली डिवोरिंग द टिश्यू बिटवीन द वेन। ये जो सॉफ्ट फ्लाई के जो लार्वे होते हैं, ये पत्तियों में कहीं कहीं छेद करके या पूरी तरह से उसको स्केलेटनाइज करके भी डैमेज करते हैं। इनके जो लार्वे होते हैं वो इरुसीफॉर्म, दैट मीन्स कैटरपिलर टाइप के होते हैं, और ये फाइटोफेगस होते हैं। इनका डायग्राम देख सकते हैं, एडल्ट कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। इनका जो एंटीनी है कोहनीकार होता है, जेनिकुलेट टाइप, और इनका जो एब्डोमेन है वो थोरेक्स से पूरी तरह से फ्यूज्ड होते हैं। इनका लार्वी कैटरपिलर टाइप का होता है, जिसे आप डायग्राम पे देख सकते हैं। सॉफ्टफ्लाई का लाइफ साइकिल जो है, इनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। सॉफ्टफ्लाई एडल्ट पौधों के तने में चीरा लगा के अंडे छोड़ते हैं, या पत्तियों में चीरा लगा के अपने आरे के समान, सौ के समान ओविपोस्टर से अंडे छोड़ते हैं, जिससे न्यूली हेड जो लार्वी हैं वो पौधों को डैमेज करते हैं, पत्तियों को खाते हैं और प्यूपेशन में चले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फैमिली है इक्नियोमोनिडी। इक्नियोमोनिडी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, इनको इक्नियोमोनिड फ्लाइज, इक्नियोमोन फ्लाइज के नाम से जाना जाता है। इक्नियोमोन फ्लाइज जो है मेनली पैरासिटॉइड टाइप के होते हैं, और इक्नियोमोनिडी फैमिली के बहुत सारे स्पीसीज को बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। दे आर सोलिटरी इंसेक्ट्स एंड द मोस्ट आर पैरासिटॉइड। द लार्वे फीड ऑन और इन अनदर इंसेक्ट्स विच फाइनली डाइज। ये जो है इस फैमिली के मैक्सिमम मेंबर पैरासिटॉइड टाइप के होते हैं, और इनके जो लार्वे होते हैं वो अपने होस्ट के अंदर फीड करते हैं या होस्ट के बाहर भी फीड करते हैं। दैट मीन्स इस फैमिली के जो मेंबर होते हैं पैरासिटॉइड होते हैं, ये इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों ही हो सकते हैं, और अपने होस्ट को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। इस फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, इनकी एंटीनी लंबी और फिलीफॉर्म धागाकार टाइप के होते हैं। द फीमेल फाइंड्स अ होस्ट एंड ले अ एन एग ऑन नियर और इनसाइड द होस्ट बॉडी। चूँकि ये एक पैरासिटॉइड है, पैरासिटॉइड जो है हमेशा अपने होस्ट के ऊपर या होस्ट के अंदर अपने अंडे छोड़ते हैं। तो ये जो इंसेक्ट होते हैं, इस फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो अक्सर अपने होस्ट के पास में, होस्ट के ऊपर या होस्ट के अंदर अपने ओविपोजिटर की सहायता से, अंडरोपक की सहायता से अपने अंडे देते हैं, और अंडे से हैच होने पे न्यूली हैच जो लार्वे होते हैं अपने होस्ट पे फीड करना स्टार्ट करते हैं। अपन हैचिंग द लार्वे फीड्स आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली। अगर अंडे बॉडी के होस्ट के बाहर है, होस्ट बॉडी के बाहर अगर अंडे हैं, तो वो जो लार्वे हैं वो अपने होस्ट को बाहर से फीड करने स्टार्ट करते हैं, और अगर अंदर होते हैं तो अंदर से उनको फीड करना स्टार्ट करते हैं, और उनको अपने होस्ट को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। प्यूपा में चेंज होने से पहले, या प्यूपा बनने से पहले, प्यूपेशन से पहले ये अपने होस्ट बॉडी से बाहर निकल आते हैं। लार्वे आर पैरासाइटिक ऑन इमेच्योर स्टेज ऑफ अदर इंसेक्ट्स। मेनली जो है ये लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के मेंबर्स को अपने अपना शिकार बनाते हैं, अपना होस्ट बनाते हैं। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के जो लार्वे होते हैं, जो इमेच्योर स्टेज होते हैं, उनके अंदर ये अपने अंडे देते हैं और अपना ग्रोथ करते हैं। वेरियस इकोनोमिट्स आर यूज कॉमर्शली एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट। देखा जा सकता है इनका जो ओविपोजिटर होता है काफ़ी लंबा होता है, और ये अदर इंसेक्ट्स को अपना होस्ट बनाते हैं।
देन नेक्स्ट फैमिली इज़ फैमिली ब्रैकोनिडी। ब्रैकोनिडी फैमिली के मेंबर्स भी स्मॉल वेस्प होते हैं जिनको बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। ब्रैकोनिडी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनको ब्रैकोनिड्स कहा जाता है। ये काफ़ी छोटे 2 से 15 mm साइज़ के होते हैं और पैरासाइटिक वेस्प होते हैं। दैट मीन्स ये भी पैरासिटॉइड टाइप के होते हैं। इनका एडल्ट ब्राउन या ब्लैक कलर का होता है। ये इंसेक्ट भी इक्नोमिडी फैमिली के मेंबर्स की तरह अपने होस्ट के अंदर या होस्ट के ऊपर अंडे देते हैं जो कि होस्ट बॉडी को इंटरनली या एक्सटर्नली डैमेज करना स्टार्ट करते हैं। ब्रैकोनिड पैरासिटाइज द लार्वी ऑफ लेपिडोप्टेरा, सिम्फाइटा, कोलियोप्टेरा, डिप्टेरा एट्सेट्रा। ये जो है ब्रैकोनिड्स जो फैमिली के जो मेंबर होते हैं लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, डिप्टेरा और हाइमेनोप्टेरा के कुछ मेंबर्स को भी ये अपना होस्ट बनाते हैं। इनका जो एंटीनी होता है ये 16 से अधिक सेगमेंट के होते हैं। लार्वी पैरासाइटिक प्यूपे इन कोकून प्यूपेट आउटसाइड द होस्ट बॉडी। लार्वी जो है वो पैरासाइटिक होते हैं और एडल्ट होने पर फ्री लिविंग हो जाते हैं। ये कोकून बनाते हैं प्यूपेशन के लिए और होस्ट बॉडी के बाहर ही प्यूपेशन में जाते हैं। इनका भी ओविपोजिटर काफ़ी लंबा होता है, लगभग इनकी बॉडी की लंबाई के बराबर इनका ओविपोजिटर होता है। डायग्राम में देखा जा सकता है कि एक लेपिडोप्टेरॉइड लार्वी को किस तरह से अपना होस्ट बनाए हुए हैं। इनका जो लाइफ साइकिल है कंप्लीट मेटामोफोसिस पाया जाता है इनमें। डायग्राम में आप देख सकते हैं एक एडल्ट ब्रैकोनिड वेस और लार्वी फीडिंग ऑन कैटरपिलर्स। देन नेक्स्ट फैमिली इज फैमिली कैलेसिडी। फैमिली कैलेसिडी के जो मेंबर्स होते हैं ये भी माइन्यूट वेस्प होते हैं, बहुत ही छोटे आकार के वेस्प होते हैं। कैल्सिडी फैमिली के मेंबर को कैल्सिड कहा जाता है। कॉमनली नेम फॉर एनी ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पैरासाइटिक इंसेक्ट ऑल्सो कॉल्ड कैल्सिड वेस्प और कैल्सिड फ्लाई। इनको कैल्सिड वेस्प या कैल्सिड फ्लाई के नाम से जाना जाता है। दिस इंक्लूड्स द स्मॉलेस्ट नॉन इंसेक्ट द फेरी वेस्प। सबसे छोटा जो इंसेक्ट है जो जिस पे स्टडी किया जा चुका है फेरी वेस्प, वो इसी फैमिली के मेंबर होते हैं कैल्सिडी फैमिली के। और कैल्सिडी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो एग पैरासिटॉइड होते हैं। कैल्सिड हैव एल्बोड एंटीनी एंड ग्रेटली रिड्यूस्ड विंग वेनेशन। इनमें इनका जो एंटीनी होता है वो जेनिकुलेट टाइप का, कोहनीकार टाइप का होता है। द लार्वी आर पैरासाइटिक ऑन एग प्यूपी एंड लार्वी ऑफ अदर इंसेक्ट्स। मेनली जो है एग को पैरासिटाइज करते हैं बट ये प्यूपा और लार्वा को भी पैरासिटाइज कर सकते हैं। इनका एडल्ट बहुत ही माइन्यूट होता है, ब्राउन से ब्लैक कलर का होता है जिसको आप डायग्राम पे देख सकते हैं। इनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, एग, लार्वा, प्यूपा देन एडल्ट। देख सकते हैं डायग्राम पे एक लेपिडोप्टेरा का एक लार्वी कैल्सिड वेस्प से पैरासिटाइज होते हुए। देन नेक्स्ट फैमिली इज फैमिली ट्राइकोग्रामेटिडी। ट्राइकोग्रामेटिडी जो फैमिली होता है इसके मेंबर को ट्राइकोग्रामा कहा जाता है। ट्राइकोग्रामा जो है वो बहुत ही छोटे माइन्यूट इंसेक्ट्स होते हैं। इनका आकार जो है 0.3 से 1 mm तक हो सकता है। दे आर वेरी वेरी टाइनी इंसेक्ट्स, 0.3 to 1 mm लॉन्ग। बहुत ही छोटे होते हैं। टार्सस इज 3 सिगमेंटेड, फोर विंग इज ब्रॉड विथ प्यूबेसेंस
माइक्रोस्कोपिक हेयर, बहुत ही छोटे इनमें यह आकार, इनका इस इंसेक्ट्स का आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए फोर विंग्स जो है बहुत ही छोटे होते हैं, जिससे माइक्रोस्कोपिक बहुत ही बारीक हेयर्स के कतार बने हुए होते हैं। हाइंड विंग्स इज रिड्यूस्ड एंड फ्रिंग्ड विथ हेयर अलोंग द मार्जिन्स। दे आर मेनली एग पैरासाइट्स ऑफ लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट्स। ये जो है लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी एग को पैरासिटाइज करते हैं। ट्राइकोग्रामा स्पीसीज के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जिनको बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। डायग्राम में देखा जा सकता है एक को पैरासिटाइज करते हुए ट्राइकोग्रामेटिडी फैमिली के मेंबर्स। देन नेक्स्ट फैमिली इज फैमिली फॉर्मेसिडी। फैमिली फॉर्मेसिडी के अंतर्गत आने वाले इंसेक्ट्स हैं आंट्स, चींटियां। दे आर कॉमन वाइड स्प्रेड इंसेक्ट्स। ये पूरी दुनिया में पाए जाने वाले, हर जगह पाए जाने वाले इंसेक्ट होते हैं। इनकी जो एंटीनी होती है, श्रृंगिकाएँ होती है, वो कोहनीकार होती है। मैंडिबल्स जो मुखांग होते हैं, काटने एवं चबाने वाले वेल डेवलप्ड मैंडिबुलर्स होते हैं। इनके सेक्सुअली मेच्योर जो फॉर्म होता है उसी में विंग डेवलप होते हैं। जो फॉर्मेसिडी मेंबर्स फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं अक्सर इनमें तीन कास्ट होते हैं, क्वीन, मेल और वर्कर्स। दैट मीन्स ये एक सोशल इंसेक्ट होते हैं जिनमें ये तीन कास्ट होते हैं, क्वीन जो अंडे देती है, मेल जो क्वीन को फर्टिलाइज करती है, और मेल जो फर्टिलाइज करते हैं, और वर्कर्स। इनमें इनका जो मुखांग होता है वो मैंडिबुलेट होता है, काटने एवं चबाने वाले। पेटियोल में हैव वन और टू स्पाइंस। वर्कर आर स्टराइल फीमेल्स। इनके जो वर्कर्स होते हैं वो स्टराइल फीमेल्स होते हैं और ये कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल्स बिटवीन एडल्ट एंड इमेच्योर इंसेक्ट्स इज कॉमन। आफ्टर अ मेटिंग फ्लाइट क्वीन एलोन फाइंड अ सुटेबल नेस्टिंग साइट, विंग ब्रेक नियर द एब्सिशन सुचर नियर द बेस एंड निब्ड ऑफ बाय मैंडिबल्स। इनके जो क्वीन होती है म्यूचुअल फ्लाइट के बाद में उनके पंख झड़ जाते हैं या खुद ही अपने पंख को काट देती हैं और एक सुरक्षित स्थान पे चले जाते हैं जहाँ पे वो अपना घोंसला बनाते हैं। इस फैमिली के बहुत सारे जो मेंबर्स होते हैं वो होमोप्टेरन इंसेक्ट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। दैट मीन्स सहजीविता। दैट मीन्स क्या होता है कि कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो दूसरे इंसेक्ट्स की सहायता करते हैं, वो आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं। जैसे कि होमोप्टेरा ऑर्डर हेमिप्टेरा का सब ऑर्डर है होमोप्टेरा, जिसके अंतर्गत एफिड्स या मिलीबग्स आते हैं। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये हनीड्यू सीक्रेट करते हैं एज अ एक्सक्रीटर, जिसको ग्रहण करते हैं चींटियाँ, और उसके बदले चींटियाँ उन इंसेक्ट्स को उनके नेचुरल एनिमीज से, उनके शत्रुओं से उनकी सुरक्षा करते हैं। दैट मीन्स इस तरह से दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं, इसे कहा जाता है सिम्बायोसिस या फिर सहजीविता। इनका स्ट्रक्चर देखा जा सकता है पूरी तरह से, इनका जो हेड है वो पूरी तरह से अलग होता है थॉरेक्स से। देन नेक्स्ट फैमिली इज फैमिली एपिडी। फैमिली एपिडी के अंतर्गत आने वाले इंसेक्ट्स हैं हनी बीज। हनी बी के बहुत सारे स्पीसीज होते हैं जिनमें जिनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो फैमिली एपिडी के जो मेंबर्स होते हैं इनका बॉडी पूरी तरह से प्लूमोज हेयर से ढके हुए होते हैं। माउथ पार्ट शेविंग एंड लैपिंग टाइप होता है और मैंडिबल्स आर सिचुएटेड फॉर क्रशिंग एंड शेपिंग वैक्स फॉर बिल्डिंग कॉम्ब।
इनकी छत्ता बनाने के लिए इनका जो मैंडिबल्स है वो क्रशिंग करने के लिए मॉडिफाइड होता है। लेग्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर पोलन कलेक्शन। दे आर सोशल इंसेक्ट्स। एपिडी फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो सोशल बिहेवियर के होते हैं। इनमें तीन कास्ट होते हैं, क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर्स। और वर्कर्स को फिर से और सब कास्ट में डिवाइड किया जा सकता है। मेनली इनके कॉलोनी में तीन कास्ट होते हैं, क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर। जो फर्टाइल फीमेल होती है वो क्वीन होती है, फर्टाइल मेल को ड्रोन कहा जाता है, और वर्कर जो होते हैं वो स्टराइल फीमेल होते हैं। टेम्परल सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज इज नोटिस अमंग वर्कर्स। जो इनकी वर्कर्स के जो अलग अलग सब कास्ट होते हैं उनकी ड्यूटीज अलग अलग बटे हुए होते हैं, सेपरेट होते हैं। इंडियन हनी बी एपिस इंडिका इज अ प्रोडक्टिव इंसेक्ट्स, जिसको हनी प्रोडक्शन के लिए जिनका कल्चर किया जा सकता है, जिनको पाला जा सकता है। एपिडी फैमिली के मेंबर का एक जनरल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखा जा सकता है स्क्रीन पे। इनका विंग जो है मेम्ब्रेनस होता है, वेनेशन बहुत ही कम होते हैं, और इनका जो एंटीनी होता है वो जेनिकुलेट टाइप का होता है। और जो स्टराइल फीमेल होते हैं उनमें ओविपोस्टर, दैट मीन्स अंडरोपक, जो स्टराइल फीमेल होते हैं उनका अंडरोपक स्टिंग के रूप में मॉडिफाइड होते हैं। इनका सोशल बिहेवियर देख सकते हैं डायग्राम पे। गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।